और किसी को कोई ये नहीं। अब आप बोलिए बिहार में जो लोग थे पहले, तो झारखंड में बहुत लोग जाते, अब कोई जाता है? अब जरा बताइए तो, पहले बिहार के लोग तो बहुत लोग कुछ काम के लिए झारखंड जाते थे, कई पुराने जमाने की बात, जब एक था तब, अब कोई जाता है? अब तो कोई मतलब नहीं। अरे अब जानते हैं ना कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी कि झारखंड अलग हो गया तब तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब बताइए जरा, बिहार के लोगों को कुछ भी रहता है ध्यान में कि अलग हो गया था? अब बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, एक एक चीज़ के लिए जो चल रहा है बताइए, हर प्रकार से, कितने इंस्टीट्यूशंस। जब बिहार झारखंड एक था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण वहाँ किया गया था, इवन पुलिस बल के ट्रेनिंग का भी वहाँ बहुत सारा किया गया था। अब सब चीज़ जो बिहार में किया गया तो देख रहे हैं ना एक एक चीज़ कितना अच्छा हुआ है। लेकिन ये सब एक अलग विषय है, लेकिन किसी को भी बिहार में झारखंड के प्रति किसी तरह का, जिसको कहिए कि गलत फीलिंग नहीं है, लोग श्रद्धा करते हैं, मानते हैं। और झारखंड में हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोगों के प्रति किसी तरह का कोई अपमान का भाव, इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। अब पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई राजनीतिक बात होता होगा। अरे काहे का दबंग कोई होगा, जरा बताइए, कितनी इज्जत है, ऐतिहासिक सब चीज़ है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। अब क्या बोलते हैं किसी चीज़ का, आप जरा बताइए, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है, तब क्या जो यूपी में जो लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज़ है? आप जरा बताइए तो। हाँ, कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहाँ पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है उस तरह का नहीं बोलता है, ये सब कोई बात है? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज़ नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहें। हम लोग तो कभी सब चीज़ के बारे में नहीं सोचते, हम लोगों के तो पूरे मन में झारखंड के प्रति भी प्रेम का भाव है और सम्मान का भाव है। जन बाहर से चला आ रहा है और उसमें से किसी एक को कुछ होगा तो फिर कई लोगों को होगा, इसलिए इन सब चीज़ों पर, और जहां अभी भी जिन राज्यों में काफ़ी है, अभी घट तो रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी है, तो उन राज्यों से आने वाले लोगों के लिए भी वही जांच का प्रबंध किया गया है ताकि ये फैले नहीं, तो ये सब किया जा रहा है। देखिए, नहीं ताकि बढ़ेगा ही, निश्चित रूप से बढ़ेगा। हम लोग का चेक और टीकाकरण है जो, तो समझ लीजिए ना कि फर्स्ट डोज और सेकंड, तो जो फर्स्ट है उसका सेकंड का भी तो चल रहा है कि जो पहला ले लेंगे और समय हो जाएगा तो सेकंड डोज के लिए, तो बहुत लोगों की इच्छा नहीं होती है लेकिन पीछे लग करके पूरा कोशिश है कि नहीं साहब सेकेंड डोज भी लीजिए, लोगों को समझाया जा रहा है। तो हम लोगों का लक्ष्य तो वही है कि पूरे तौर पर जो हम लोग करेंगे, तो जो इसका है लक्ष्य है कि एक डोज नहीं बल्कि डबल डोज देना है, तो उसके लिए और एक समय के बाद, तो उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास लोग करते रहते हैं। अब ये भी तय हो गया है कि भाई जिसका फर्स्ट डोज लिया वो एक एक चीज़ नोटेड है, तो जब समय हो जाता है तो उसके सेकेंड डोज के लिए उनको प्रेरित करने के लिए भाई आइए जल्दी लीजिए, उनको दिलवाने के लिए तगे वो भी, इसलिए तो होगा ही। तो 6 करोड़ तो मतलब लोगों की बात कर रहे हैं ना, 6 करोड़ लोगों का है बेटा। इसमें हम लोगों को क्या करना है? देखिए, जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं, बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार दो हिस्से में फिर बंटा, तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम, और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है, कोई ये नहीं है। पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं,
लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं, एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए, देखिए बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में प्रेम है। नहीं, हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हम लोग तो देखिए, आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग जो 6 महीना में 6 करोड़ करेंगे, तो 6 करोड़ से तो ज़्यादा करेंगे। और उस दिन का हम लोगों ने तय किया था प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 तारीख को इस महीने, कि हम लोग 30 लाख करेंगे कम से कम, और उससे ज़्यादा करेंगे तो देखिएगा 33 लाख हो गए, आप जानते ही, उससे भी ज़्यादा कर दिया हम लोगों ने। और तो इसी तरह से यहाँ पर का स्वास्थ्य विभाग और हमारे उससे संबंधित सभी लोग और पूरा का पूरा प्रशासन, सब लोग सक्रिय हैं। और इस सक्रियता के कारण निश्चित रूप से हम लोग वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से जारी रखते हैं, और जो मिलना चाहिए वैक्सीन वो भी मिल रहा है। और इसके लिए निरंतर हमारी सरकार की तरफ से लोग केंद्र से बातचीत करते रहते हैं और निरंतर वहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो इसलिए अब और ज़्यादा तेज़ी से हम लोग काम करेंगे, और इसके लिए सब लोगों को अलर्ट रखा गया है, सब लोग सक्रिय हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर। अब उस दिन सोच लीजिए, उस दिन पर्व का दिन था, अब तब भी कई जगह पर कितना होता छाता तो लगा, तो उसके बाद भी आप सोच लीजिए कि ये लक्ष्य हो। और हम देख रहे थे शाम में 27 हो गया था, तो फिर वेट किए, तो रात में हम लोगों को पता चला 9 बजे तक कि नहीं, अब तो 30 लाख के ऊपर हो गया, तो समझ गया कि नहीं हुआ। फिर बाद में अंत में अल्टीमेटली मॉर्निंग में सुबह हम लोगों को बताया कि नहीं साहब, हम लोगों का तो 33 लाख से। अरे कहाँ गए जी, तो 33 लाख से भी ऊपर हो गया जी, तो सुबह की सुबह में हमको फिर फोन करके बताए, क्योंकि रात में तो हम लोगों का हो गया था 30 लाख से भी ज़्यादा का, 30 लाख करीब करीब 70,000 के करीब आ गया था रात में खबर। लेकिन हुआ था कि अभी और खबर आ रही है सवेरे, तो ये लोग लगातार लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे ढंग से होगा और वैक्सीनेशन का काम तो निश्चित रूप से करा देना। लेकिन आपको तो हम बराबर कहते हैं कि वैक्सीनेशन का काम तो करना ही है। 9,650 हाँ, वो तो रात में ही ना बताए, और उसके लिए हम लोग जांच के लिए भी जो बराबर बताते हैं, जांच के लिए भी निश्चित रूप से करना। अब देखिए कहीं कहीं से आ रहा, जरा सा कहीं से आया, किसी जगह पर अचानक निकल रहा 6-7, तो सबसे बड़ी बात यही है कि कोई बाहर से